पूर्ण संख्याओं का सहचर्य गुण हम पूर्ण संख्याओं में सहचर्य गुण को देखते हैं, जैसे दो धन तीन धन पांच, और दूसरी स्थिति में दो धन तीन धन पांच। हम यहां पर कोष्ठक का प्रयोग कर सहचर्य गुण की जांच कर रहे हैं। यहां पर मान दो धन तीन और पांच आठ, हमें दस प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में पहले दो को तीन में जोड़ते हैं, पांच धन पांच, पांच और पांच दस, अर्थात दोनों स्थितियों में मान बराबर प्राप्त होता है। इससे यह साबित होता है कि योग के लिए पूर्ण संख्याएं सहचारिता दर्शाती हैं। अब हम गुणन के लिए सहचारिता की जांच करते हैं, फिर उसी तरह का प्रश्न लेते हैं। दो गुणा कोष्ठक तीन गुणा पाँच, और दूसरी स्थिति में दो गुणा तीन कोष्ठक में गुणा पाँच। पहली स्थिति में दो गुणा तीन को पाँच से गुणा किया, पंद्रह, और मान प्राप्त हुआ तीस। दूसरी स्थिति में पहले दो को तीन से गुणा करेंगे, छः गुणा पाँच, और छः को पाँच से गुणा करने पर मान प्राप्त हुआ तीस। दोनों स्थितियों में हमें समान मान प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन में भी सहचारिता दर्शाती हैं। अब हम व्यवकलन और भाजन में सहचारिता की जांच करेंगे। पाँच ऋण तीन ऋण दो, एक स्थिति में हमने पाँच ऋण तीन ऋण दो लिया और दूसरी स्थिति में पाँच ऋण तीन ऋण दो लिया। दोनों को हल करते हैं, पाँच ऋण एक, अर्थात हमें चार मान प्राप्त हुआ। दूसरी स्थिति में पाँच में से तीन घटाए दो ऋण दो, मान जीरो प्राप्त हुआ। स्पष्टतः दोनों मान अलग अलग हैं, अर्थात बराबर नहीं हैं। अतः व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं सहचारिता नहीं दर्शाती। अब हम भाजन में सहचारिता की जांच करते हैं। हमने फिर से उसी तरह की संख्या ली, पाँच भाग एक। अब हम भाजन में सहचारिता की जांच करते हैं, दस भाग दो भाग दो, और दूसरी स्थिति में दस भाग दो कोष्ठक में भाग दो। पहली स्थिति को हल करने पर दस भाग दो में दो का भाग दिया, एक आया, और दस में एक का भाग दिया, दस आया। दूसरी स्थिति को हल करने पर दस में दो का भाग दिया, पाँच आया, भाग दो, पाँच में दो का भाग देने पर 2.5 आते हैं। दोनों स्थितियां बराबर नहीं हैं, अर्थात व्यवकलन में, अर्थात भाजन में सहचारिता विद्यमान नहीं है।